एक फ्रिज खरीदते समय आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? फ्रिज किस ब्रांड का है, फ्रिज में क्या खास फीचर है, आपकी जरूरतों में फिट बैठता है या नहीं, कितनी स्टार रेटिंग है और कितने लीटर का है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रिज के ये लीटर तय कैसे किए जाते हैं? सबसे छोटा फ्रिज भी कम से कम 50 लीटर का आता है और जैसे जैसे आप बड़े फ्रिज की ओर बढ़ते जाते हैं लीटर का पैमाना भी बढ़ता जाता है। लेकिन फ्रिज के मामले में ये लीटर क्या है और ये इतना अहम क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल लीटर फ्रिज की कैपेसिटी के हिसाब से तय किया जाता है। अगर कोई फ्रिज 190 लीटर का है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 190 लीटर की है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसमें 190 लीटर पानी स्टोर करके रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके 190 लीटर वाले फ्रिज में सब कुछ मिलाकर 190 किलो तक का सामान आ सकता है। अब फ्रिज कितने लीटर का है ये आप घर बैठे भी जान सकते हैं। इसे मापने के लिए आपको वॉल्यूम के फॉर्मूले पर काम करना होगा। ये फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको फ्रिज के लीटर के बारे में पता चलेगा। इसके लिए अब आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, साथ ही आपको चाहिए होगा एक इंची टेप, पेपर पैड और पेन। अब आप फ्रिज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को माप ले और इन सभी मापों को आपस में गुणा यानी मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसे 1000 से भाग यानी डिवाइड कर दे। अब आप सोचेंगे कि 1000 से ही डिवाइड क्यों? दरअसल एक लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, जिस वजह से गुणा कर आए हुए नंबर को हमें 1000 से डिवाइड यानी भाग देना होगा। मान लीजिए किसी फ्रिज की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, तो हमें इन सब को मल्टीप्लाई करना होगा, जिसके बाद हमारे पास नंबर आएगा 324,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप इसे 1000 से डिवाइड कर दें। इसके बाद आपके पास जो नंबर बचेगा वो है 324 और यही इस फ्रिज की स्टोरेज कैपेसिटी यानी लीटर भी होगा। अब आपको बताते हैं कि आप अपने घर के लिए किस तरह एक बेहतर फ्रिज खरीद सकते हैं। सबसे पहले फ्रिज के तापमान का ध्यान रखें। फ्रिज का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, जबकि फ्रीजर का 0 डिग्री से भी कम होना चाहिए। फ्रिज इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, यानी पावर कट होने पर भी आपका फ्रिज सुचारू रूप से चल सके और अंदर का सामान खराब ना हो। आपको बता दें कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से चलने वाले फ्रिज आम फ्रिज के मुकाबले ज्यादा चलते हैं। कोशिश करें कि आप इको फ्रेंडली फ्रिज ही खरीदें। इको फ्रेंडली फ्रिज का मतलब है कि इसमें कार्बन गैस का उत्सर्जन कम होता है। 5-स्टार रेटिंग वाला फ्रिज खरीदें। फ्रिज की रेटिंग जितनी ज्यादा होगी बिजली की खपत भी वो उतनी ही कम करेगा। और सबसे जरूरी बात जो आपको फ्रिज खरीदते समय अपने ध्यान में रखनी चाहिए वो है अपनी जेब का ख्याल, यानी अपने बजट के अंदर ही फ्रिज खरीदने की कोशिश करें। अमर उजाला.com